हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। डीपली डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये और क्या इसके मीनिंग होते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल। ओके, पी एक्स वर्ड का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पी एक्स जो है वो एक बहुपद है। आप पी एक्स ले रहे हो, पी एक्स का मतलब क्या है? देखिए, पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, यानी कि एक्स चर का बहुपद। अगर आप एक्स चर में बहुपद लेंगे तो आप उसे प्रदर्शित करेंगे किससे? पी एक्स से। अगर आप वाई में बहुपद लेंगे तो आप उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? पी वाई से। ठीक है, अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि पी एक्स तो एक पॉलिनोमियल है। अगर सपोज कीजिए कि पी एक्स की जो वैल्यू है वो किसी भी टर्म्स पे, किसी कंडीशन पे जीरो हो जाती है। अब जीरो हो जाती है तो इसका मतलब वहां पर एक्स की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। तो जो भी वैल्यू होगी वहां पे, एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी एक्स की, ये उसका क्या कहलाएगी? जीरो कहलाएगी। ओके, जीरो यानी कि शून्यक। तो आप अगर इसे कहेंगे तो कैसे कहेंगे? यदि x के किसी मान पर किसी बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाती है, ओके, तो उस कंडीशन में जो x होता है वो हमारा क्या कहलाता है? जीरो कहलाता है, यानी कि शून्यक कहलाता है। हम इसको आगे एग्जांपल लेकर सिद्ध करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ए एक्स प्लस बी। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके जीरो जो है वो क्या होंगे, तो आपको क्या करना है? कंडीशन क्या है? पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। आप पी एक्स की वैल्यू को जीरो ले लीजिए। हम इसको क्या मान लेते हैं? यहाँ पे पी एक्स मान लेते हैं। ओके, क्योंकि ये एक बहुपद है और वो भी किस में है? एक्स वेरिएबल में है। ओके, आपने लिया ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। नाउ ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। आप ए एक्स लेंगे तो बी उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो एक्स क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो है यानी कि शून्य है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसको एक्सपेंड करते हैं। बी, बी क्या है यहाँ पर? क्या बी से कोई मल्टीप्लाई हो रखा है? नहीं ना। तो बी क्या है हमारे पास? कॉन्स्टेंट टर्म। एंड ए, ए क्या है हमारे पास? ये देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। अब आप एक पॉइंट देखिए, आपका जो पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है वो कब हो रहा है? एक्स की वैल्यू पर जीरो हो रहा है ना। यानी कि एक्स का कोई एक मान है जिस पर आकर आपके बहुपद की वैल्यू कित क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अगर आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो चलिए देखते हैं। ये हमने एक ग्राफ का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये ओरिजिन है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये हमारे पास है वाई डैश और ये है वाई। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, ये देखिए। ओके, ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। अब ये ग्राफ क्या है मेरे पास? एक्चुअल में ये जो ग्राफ है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि ये एक बहुपद के मान है। ओके, बहुपद के मान है, वैल्यूज है, वैल्यू ऑफ पी एक्स। और वो कैसे है कि आपने एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी है और जो भी वैल्यूज आती गई आप उनको रखते गए और आपको ये ग्राफ मिल गया है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप बताइए कि कितने जीरोज हैं आपके पास, कितने शून्यक है इस बहुपद के, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप अपने माइंड में सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या? कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है कब? एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किसी भी मान पर। तो देखिए, आपका ये जो ग्राफ है एक्स एक्स को कहाँ कहाँ काट रहा है? भाई, आपको एक्स एक्स की वैल्यूज चाहिए, तो एक्स एक्स की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब जहां पर भी ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो आपके लिए क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका फर्स्ट जो है इधर कट कर रहा है। ओके, यहाँ कट कर रहा है आपका, तो ये आपका क्या हो गया है? पहला जीरो हो गया है। ऐसे ही देखिए, अब ये ग्राफ एक्स एक्स को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कट कर रहा है, तो ये आपके पास सेकंड जीरो हुआ। और देखिए,
यहाँ थर्ड पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये थर्ड जीरो और ये फोर्थ जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल में है तो वो ग्राफ पर जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वो सब उसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ कितने जीरोज हैं, फोर, फोर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है यानी कि जो डिग्री है वो भी कितनी होगी, फोर होगी। क्योंकि ये सीधा सा लॉजिक है हमारे पास कि जितनी हमारे पास डिग्री होती है यानी कि मैक्सिमम पावर होती है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल था ना, लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी वैल्यू आई आपके पास एक्स की, एक आई। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पर क्या है, एक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास कितनी वैल्यूज है, फोर है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो डिग्री होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी वो भी क्या होगी, फोर होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। तो जरा अपनी एक्सरसाइज को ओपन कीजिए। इस एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, द ग्राफ्स ऑफ वाई इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ्स गिवन है और ये जितने भी ग्राफ्स हैं ये आपके किसके लिए है, y इज इक्वल टू पी एक्स। इसका मतलब ये है कि x चर का बहुपद है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है जो है x वेरिएबल का है और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पी एक्स की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है और जितने भी पॉइंट पर वो कट करेगा x एक्सिस को, ओके, एक्स एक्सिस को वो जितने भी पॉइंट पर कट करेगा वो उसके लिए क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो फर्स्ट में देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ग्राफ क्या किसी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। क्या इसको ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये कट कर रही है, नहीं कर रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ जीरोज इसके लिए क्या हो गए हैं, जीरो, ओके। सेकेंड में देखिए, ये ग्राफ है आपका इस शेप में, ये यहाँ से देखिए इस तरफ, तो ये जो ग्राफ है आपका ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, बिल्कुल कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है। तो ये ओनली एक ही पॉइंट है तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हैं, वन। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ कट करता है वन, इसके बाद ये हो गया है आपका सेकेंड और ये हो गया है आपका थर्ड। तो यानी कि तीन जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हैं, थ्री। अब आप इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात कीजिए। इस फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास ग्राफ देखिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ। तो कितने पॉइंट्स हो गए हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, यानी कि टू। फिफ्थ में देखिए, वन टू थ्री एंड फोर, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए हैं इसके लिए, फोर। नेक्स्ट देखिए, अब आप सिक्स में, वन टू थ्री, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए हैं, थ्री। तो इस तरह से जब भी आपका जो ग्राफ है वो अगर पी एक्स है तो आप वहां पर एक्स एक्सिस को देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका बहुपद पी वाई की फॉर्म में है, इसका मतलब ये हुआ वाई चर में बहुपद है यानी कि वाई वेरिएबल में है, तो उस कंडीशन में आप यहां पर देखेंगे कि आपका ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ठीक है। अगर वाई में है तो आप वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे और अगर x में है तो आप x एक्सिस पर जहाँ कट करेगा वहाँ देखेंगे। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।